Good morning, students. Welcome back. I hope you all are fit and healthy. Now, today we are starting with next topic of French Revolution. अभी तक हमने यही पढ़ा कि फ्रांस का सोसाइटी किस रूप में बटी हुई थी, क्या वहाँ पर राजा ने, लुई 16 ने पैसा कलेक्ट करने के लिए किया, किस तरह से थर्ड एस्टेट ने टैक्स का और अनाज की बढ़ती हुई कीमतों का विरोध किया, यही हमने पढ़ा था। अब हम यही आगे ये देखेंगे कि जो जनता आंदोलन कर रही थी, चाहे से बेस्टिल के किले पर उन्होंने कब्जा किया या किस तरह से उन्होंने आंदोलन किया, वो हम लोग देखते जाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो आंदोलन था, रिवोल्यूशन था, वो किस तरह से हुआ और क्या हकीकत में हुआ। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. Louis XVI ने अपने राज्य का खर्चा चलाने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए थे। How do you think he could have gone about doing this? In France of old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will only. Old regime में, फ्रांस में, राजा को ये हक नहीं था कि वो अपनी मर्जी से पैसा बढ़ा दिया, कर बढ़ा दे। Rather, he had to call a meeting of estate generals, which would then pass his proposal for new taxes. बल्कि उसे एक समूह को बुलाना पड़ता था, जिसके अंदर वो मीटिंग करके ही तय कर पाता था कि कीमतें बढ़ानी है या क्या करा जाए। The estate general was a political body to which the three estates sent their representative. Estate general वो था जिसके अंदर तीनों representatives के व्यक्ति होते थे। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. Last time it was done in 1614. राजा ही ये तय करता था कि किस तरह से ये मीटिंग बुलाई जानी है। आखिरी बार मीटिंग बुलाई गई थी 1614 में और लुई 16 बना था राजा 1774 में। तो तब तक कोई मीटिंग नहीं हुई, राजा अपनी मर्जी से काम कर रहा था। On 5 May 1789, Louis 16 called together an assembly of the estate generals to pass proposals for new taxes. 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई ताकि वो नए टैक्सेस के बारे में जानकारी दे सके और ले सके। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. एक हॉल तैयार किया गया जहां पर ये मीटिंग होनी थी। The first and second estates sent 300 representatives each who were seated in rows facing each other on two sides. First और second row के एस्टेट के 300 जो लोग आए थे उन्हें उस हॉल में बैठने की जगह दी गई। द थर्ड वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। और थर्ड एस्टेट के जो 600 लोग थे उन्हें पीछे खड़ा कर दिया। थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। थर्ड एस्टेट के जो अमीर और पढ़े लिखे लोग थे सिर्फ वही मीटिंग में आए थे। पेजेंट्स, आर्टिजंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। किसानों को, छोटे मजदूरों को और औरतों को इस असेंबली में आने की इजाजत नहीं थी। हाउएवर, देयर ग्रीवियंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स व्हिच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम। हालांकि 40,000 चिट्ठियों के माध्यम से उन लोगों ने अपनी बातें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में भेज दी थी। वोटिंग इन द एस्टेट जनरल्स In the past, had been conducted according to the principle that each estate had one. जो जनरल मीटिंग हो रही थी उस एस्टेट जनरल में ये डिसाइड किया गया था कि तीनों ही समूह से एक एक वोट लिया जाएगा और उसी के माध्यम से ये बात मानी जाएगी। This time too, Louis 16 was determined to continue the same practice. इस बार भी लुई 16 यही करने वाला था। But members of the third estate demanded that voting now be conducted on the assembly as a whole, where each member would have one vote. लेकिन इस बार जो थर्ड एस्टेट के पढ़े लिखे लोग आए थे उन्होंने ये कहा कि वोटिंग तीन जने नहीं बल्कि जितने भी लोग इस असेंबली हॉल में बैठे हैं उन सभी से लिया जाए ताकि सही निर्णय हो सके। This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. यही बात रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी। When the king rejected this proposal, members of third estate walked out of the assembly in protest. राजा ने थर्ड एस्टेट वाले लोगों की बात नहीं मानी तो
को विरोध जताने के लिए थर्ड एस्टेट के लोग असेंबली हॉल से बाहर निकल आए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड एस्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। जो ये व्यक्ति थे ये अपने आप को फ्रांस के तमाम लोगों का प्रतिनिधि मान रहे थे। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेल्स। 20 जून को वर्सेल्स के टेनिस कोर्ट के ग्राउंड में वो इकट्ठा हुए। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्की। उन्होंने ये तय कर दिया कि वो नेशनल अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और ये भी तय कर दिया कि जब तक वो एक संविधान नहीं लिख देंगे वो यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे। दे वर लेड बाय मिराबो एंड एबेस्वेस। मिराबो वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्सेल्स। एबेस्वेस ओरिजिनली अ प्रीस्ट wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate? अब इस आम जनता का साथ दो अमीरों ने दिया। एक था मिराबो जो नोबल फैमिली से था लेकिन उसने आम जनता के भले के लिए काम करना सोचा और वो इनके साथ में आ गया। दूसरा व्यक्ति था एबेस्वेस जो खुद एक प्रीस्ट था और उसने What is the Third Estate नाम के अपने पैम्फलेट के माध्यम से जनता को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. एक तरफ तो ये National Assembly Versailles में संविधान लिखने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ पूरा फ्रांस आंदोलन करने के लिए तैयार हो गया। A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. सर्दी बढ़ गई, जो ब्रेड की कीमतें पहले ही बढ़ी हुई थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, अनाज की कमी हो गई और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए दुकानदार जनता को तो सामान नहीं दे रहे थे बल्कि उन्होंने अपने गोदामों में उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट बेकरी क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। बहुत घंटों देर दुकान के सामने खड़ा रहने के बाद में भी जब औरतें अपने परिवार के अनाज नहीं ले जा पा रही थी तो उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया, वो दुकान के अंदर घुस गई। At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. अभी Bastille का हमने पहले ही पढ़ लिया। ये चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पुरानी चीज़ों को वापस इंक्लूड किया जा रहा है। औरतें दुकानों के अंदर घुसती जा रही थी और दूसरी तरफ राजा जनता के ऊपर आक्रमण करने के लिए सेना भेज रहा था और जनता ने जो Bastille का किला था उसके ऊपर आंदोलन कर दिया था, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of Menor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the rice. साथ ही साथ यह अफवाह भी फैल गई कि राजा ने अपनी एक ऐसा समूह को भेजा है जो कि लौटते वक्त जो खेत हैं उन खेतों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनको नष्ट कर देंगे। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked churches. जो चौटेक्स है अमीरों के जो घर थे उनको, अब किसानों को ये डर लगने लगा कि उनकी जो उपज है उसको खत्म कर दिया जाएगा, तो उन्हें जो साधन मिला, खेती के जो औजार मिले, उन औजारों को वो लेके गए और उन्होंने अमीरों के घरों पर धावा बोला। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेनोरियल ड्यूज। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। अब इन किसानों ने आंदोलन किया और इन्होंने अमीरों के घरों में लूटपाट मचाई, वहाँ से अनाज इन्होंने चुरा लिए और जो दफ्तरों के अंदर रिकॉर्ड रखे गए थे जिसमें ये लग रहा था कि किस आदमी ने कितना कर्जा लिया है या किस पर क्या चीज़ ड्यू है, वो सारी चीज़ें जला दी, तो अब कुछ भी नहीं बचा। तो इसके कारण जो अमीर थे वो डर गए और उन्होंने देश छोड़कर भागना शुरू कर। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. Louis XVI को लगने लगा कि अब आंदोलन बढ़ गया और हो सकता है कि उसकी सत्ता छिन जाए, तो उसने अपने लोगों की बात मानी और उसने ये कह दिया कि ठीक है अभी तक जो रिवोल्ट हो रहा है उसको ठीक है होने दो और मैं अब आगे जो भी काम करूँगा वो
जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करूं। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पेस्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। 4 अगस्त 1789 को असेंबली में एक डिक्री पास हुई, डिक्री मतलब एक लॉ पास किया गया जिसके अनुसार जो गरीब तबके पर जो जबरदस्ती का टैक्स लगाया गया था उसे हटा दिया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, अमीरों से उनके अधिकार छीन लिए गए। टैक्स वर अबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्च वर कन्फिस्केटेड। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिरास। जो चर्च उनसे कर ले रहा था वो बंद हो गया और चर्च की जो जमीनें थी वो भी ले ली गई और किसानों में बांट दी गई। इस सब की वजह से सरकार के पास में 2 बिलियन लिरास का अमाउंट इकट्ठा हो। तो हमने क्या देखा कि आंदोलन शुरू हो गया, राजा बात मान नहीं रहा था, राजा ने सबको बराबरी का अधिकार नहीं दिया, तो अपना बराबरी का अधिकार पाने के लिए थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो बाहर निकल आए, बाहर निकल के आने के बाद में उन्होंने अपने आप को एक टेनिस कोर्ट में वो लोग गए, वहाँ पर नेशनल असेंबली खुद को घोषित किया और वहाँ बैठकर उन्होंने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, संविधान लिखना शुरू किया। उनका साथ दिया मिराबू और एबिस्विथ, ये दोनों ही अमीर थे लेकिन जनता के भले के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया था। फिर एक तरफ जहाँ औरतें बाजार के अंदर सामान लेने जा रही थी तो सर्दी तेज हो चुकी थी, फसल वैसे ही कम हुई थी और अनाज की कीमतें बढ़ी हुई थी, लेकिन अनाज होने के बावजूद भी, पैसा देने के बावजूद भी आम जनता को सामान नहीं मिल रहा था, तो आक्रोशित होकर गुस्से में आकर औरतों ने दुकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। राजा ने लुई 16 ने उनके ऊपर सेना भेजी और बेस्टिल के किले को जो हमने पहले ही पढ़ लिया, लोगों ने उस पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। आखिरकार लुई 16 को ये लगने लगा कि हो सकता है मुझे राज्य से हटा दिया जाए, तो वो जनता की बात मानना शुरू कर देता है और कहता है कि जैसा आप लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। फिर जो अमीर थे, अमीरों के क्योंकि घर लुट चुके थे, उनका सामान नहीं था और सारे दस्तावेज जिसमें लोगों पर कितना कर था या क्या उनसे लेना है ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो अमीर घर छोड़ के भाग चुके थे। अब जो बचे हुए लोग थे उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, जो चर्च और दूसरे टैक्सेस उनसे कलेक्ट कर रहे थे वो सारे टैक्सेस बंद हो गए, चर्च की पास में जो कब्जा की गई जमीन थी वो उनसे ले ली गई और आम जनता को दे दी गई ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें। और इन सारी हरकतों की वजह से सरकार के पास में 2 बिलियन लिरास इकट्ठा हो गया। साथ ही साथ नेशनल असेंबली ने एक सबसे मुख्य काम जो किया था वो ये था कि कर की पूरी तरह से समाप्ति कर दी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड स्टे फिट एंड हेल्दी।